ब्रेक हो जाएगा, मंदिर जाओ और दियाना जलाओ। मुझे वो पसंद नहीं आता जो लोग ना मंदिर ऑफिस और यार पता नहीं घर में कोई हो या ना हो काम इक्वली लगता है। और मैं सुबह भाई साहब सस्ते में से फ्राइड इडली अभी खा के गया। हे भगवान मैं कैसे नींद आएगी बोलू मुझे तेरे बिना। वैसे तो तू भी आजकल चल रहा हूँ मैं और जितने भी चीजें हो सके पचा लो लोगों की, मतलब पचा लो मतलब जो भी चीज मिलती है वो रख लो अपने। ये कैप अच्छी भी लग रही है और ये लकी भी है, इसको खेल के मैंने पूरा टूर्नामेंट खेला और मैंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया था। तो गाइज अभी धूप तो बहुत अच्छी है, मैंने कपड़े वगैरह बाहर सुखा दिए हैं, मैं आ गई थी देहरादून से, आप लोगों को पता ही है। मैंने व्लॉग करा था देहरादून से आते हुए या नहीं करा था शायद, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज इशू भी हो रहा था क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स जो है पेंडिंग थे। तो फिलहाल गोलू और पापा जा चुके हैं ऑफिस और यार पता नहीं घर में कोई हो या ना हो काम इक्वली लगता है। और मैं सुबह 7:30 बजे उठ गई थी क्योंकि गोलू और पापा का लंच पैक करना था और किचन पूरी फैली हुई है, अभी तक 12 बज गए हैं और मतलब आज मैं नहाई भी नहीं क्योंकि मेरे को आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, कोल्ड वगैरह लग रहा है। वैसे मैं रोज़ डेली बेसिस पर मंदिर जाती हूँ, आज दिए भी लाने हैं, मेरे दिए भी ख़त्म हो चुके हैं तो कल से रेगुलर मंदिर जाएंगे। और मम्मी भी आने वाली हैं 1-2 दिन में, पापा गोलू ऑफिस जा रखे हैं, गोलू भी जाएगा अभी थोड़े दिन में, एक कल या परसों जाएगा गोलू देहरादून मम्मी को लेने। तो जैसा भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में पता ही चलता रहेगा। अभी किचन पूरा फैला हुआ है और अंदर भी ना मम्मी ने मेरे को जब मैं देहरादून से आई थी तो पॉलीथिन वगैरह पकड़ा दी थी जो मम्मी को, मतलब सिर्फ बर्थडे वगैरह में मम्मी की पहनने वाली थी, साड़ी सूट वगैरह जो मम्मी को मिले भी हैं तो वो मम्मी ने मुझे दे दिए थे, वो भी लेके आई हूँ मम्मी के अलमीरा में लगाने हैं वो सूट। अपने भी जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो भी कुछ वॉश हो गए हैं, कुछ वॉश करने हैं। और धूप बहुत अच्छी है आज, मैं इस धूप देखो हाँ। और ना मैं मोनी दीदी को याद कर ही रही थी, फोन आ गया है, करती हूँ उससे बात करके। तो गाइज आज मैंने बनाई थी फ्राइड इडली और पापा को तो ऐसा जितनी कोई पसंद नहीं है, और साथ के साथ न्यूट्रीला आलू और गोभी की सब्जी भी बनाई थी रोटी के साथ, और गोलू ने भी थोड़ी सी खाई है। मैंने उत्तपम भी बनाया था तो गोलू से पूछते कैसा हो रहा था। तो यहाँ पे अभी लाइट्स तो कम है क्योंकि ऑन नहीं है, रुको तो भाई गोलू बताएगा कि उत्तपम कैसा हो रहा था। बढ़िया है। और फ्राइड इडली हाँ। भाई साहब सस्ते में से फ्राइड इडली अभी खा के गया। हाँ वो तो दूध दे दो तेरे को गरम है। तो गाइस आज गोलू निकल रहा है, मैं तेरे को इतनी देर से बोल रहा था कि व्लॉग बनाया तब क्यों नहीं बना रही थी तू। कब बोला तूने हैं? उस दिन जब मार्केट जा रहा था तब भी बोला था। अरे मार्केट में नहीं ना, फिर बहुत व्लॉग पेंडिंग थे ना, तो अब तो धीरे धीरे हाँ तो अब खत्म हो रहे हैं ना। कोई फायदा है ऐसे है? कैसे मतलब भाई उस दिन का तो दिखाया ही नहीं कुछ भी। तो कोई नहीं, उस दिन का क्या दिखाना था। तो आज गोलू जा रहा है देहरादून और मम्मी गोलू के साथ ही आएंगी, वैसे तो देखते हैं मौसा जी का भी 1 या 2 का प्लान था बट गोलू इतने दिन तक रुक नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऑफिस की छुट्टी नहीं है। और नाना जी से भी मिलने जा रहा है स्पेशली क्योंकि मम्मी ने बोला था नाना जी से, जब से नाना जी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है तो ये मिला नहीं है एक भी भाई ना, तो मम्मी ने बोला तू नाना जी से मिलने भी आ जाना फिर मैं तेरे साथ दिल्ली चलूंगी वापस। तो गोलू को मैंने बोला तू भी व्लॉग करना और उसी बस में जाएगा गोलू लक्ष्मी हॉलीडेज में जिसमें हम गए थे स्लीपर में, और मैंने बोला फिर वहाँ पे भी तू कर लेना। बहुत सारे यहाँ पे देख लो पूरा अभी भी किचन फैल रखा है, इतना तो नहीं फैल रखा क्योंकि ये बर्तन देखो मैंने पूरे धो धो के साथ रखती रहती हूँ इसीलिए ये क्या जाने। और गाइज आपको दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, ये देखो रुको, ये देखो ये पूरा ब्लड जम रखा है, ये देखो कौन कौन देखना चाहेगा, रुको 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 रुको, ये देखो ये पूरा मेरा ब्लड है ना गोलू, दिखा नहीं रहा ढंग से यार, हाउ इज दिस पॉसिबल, छोड़ो पैर भी इतने गंदे हो रहे हैं। ये मैं अपने पैर दिखा रही हूँ, मैं अपने पैर दिखा रहा हूँ पूरा अंदर घुसे लगे। अच्छी लग रही है हाँ, क्या अजीब सी मतलब हाँ क्या हाँ लग रही है, क्या अजीब लग रहा है, प्रेस के नहीं है तो प्रेस कर देता हूँ। हाँ तो वही तो लग रही है, वही तो बोल रही हूँ। और पहले गोलू पहन रहा था शूज वगैरह, कह रहा शूज पहन लेता हूँ ये, वो कह रहे स्लीपर में ही चला जाता हूँ क्योंकि उतार के लेट नहीं है अपना, लेटते लेटते सुबह पहुंच जाना है। तो अब देखते हैं कैसा करेगा क्या करेगा जो भी है। ये देखो मिला ढक्कन यहाँ पे, ये क्या है, और ये अब कर रहा है प्रेस पहली बार। अब पहली पापा बार? हाँ क्या अभी पापा तो सो गए। हे भगवान मैं कैसे नींद आएगी बोलू मुझे तेरे बिना। वैसे तो तू भी आजकल जल्दी सो जाता है बट फिर भी मेरे को तो व्लॉग वगैरह करने के लिए, और मेरे को देख कितना टैलेंट है, उठ भी जाती हूँ जल्दी, मैं सोती भी रही हूँ पूरे दिन भी तो घर पे है ना ये। हाँ तो सोती भी तो नहीं हो ना 12-12, 1 बजे तक, पर मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से मेरा व्लॉग जो है एडिट वेडिट हो जाए, फिर उस रात को सो के ना उसको उस पर लगा देती हूँ डाउनलोड पे,
सुबह तक डाउनलोड हो जाता है, फिर मैं सुबह उठते उसे अपलोड कर देती हूँ, तभी तो तुझे भेज देती हूँ मैं जल्दी, कि तू ऑफिस पहुंचने तक थंबनेल बना दे, तेरे को बाद में टाइम मिले ना मेरे। और कल वो वाला थंबनेल मत बनाइए जिसमें ब्लर सी रहती है फोटो, आज भी वाला, मतलब थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखे, वो दिखे ब्राइटनेस, मतलब इतना वो अच्छा नहीं लगता मुझे, वाइट वाइट सा थंबनेल। और पापा वही सुट सुट पुट, ठीक है। और मैं करती हूँ फटाफट से किचन, और गोलू अभी थोड़ी देर में निकलेगा, अभी अपनी प्रेस वगैरह कर रहा है, फटाफट से किचन करते हैं क्लीन। मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है गाइस, लग गई पता नहीं ऐसा ठुका ना सोफे में जाके पूरा, और नाखून मेरे बड़े ही हैं पैरों के, और भाई वो पूरा है नशे में थी। क्यों तू नशे में, तो तेरे पैर टूट रहे होते हैं कभी ना कभी, तो लगी जाती है। और एक चीज़ और देखो, काम काजी लोगों के हाल, हाँ मेरे पे वो नहीं हो रहा फोकस, ये देखो ले ले भैया रुको, हाथ कट रखे काम कर करके। भाई जब ये होता है जो वंशीना वाइल काम करता है, वंशीना वाइल तू कर लिया कर, वंशीना वाइल काम कर करके हाथ वो रखे हम, चाकू के निशान लगे हुए गाइस, और तभी भी बकवास कर रहा है, ये होता है वो होता है वो होता है ये होता है। तो गाइस अभी हो चुका हूँ मैं रेडी, रेडी तो क्या, बस मैंने नीचे लोअर पहना है और ऊपर अपर, और ये कैप ले लिए क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, तो थोड़ा कैप ऑन अच्छी लग रही है, वैसे ही कुछ की कैप है, दूंगा नहीं मैं उसको, यहाँ पे छोड़ देती हूँ, मेरे को अच्छी भी लग रही है अभी ये। तो भाई अभी निकल रहा हूँ मैं, और जितने भी चीज़ें हो सके पचा लो लोगों की, मतलब पचा लो मतलब जो भी चीज़ मिलती है वो रख लो अपने पास, क्योंकि दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, चाहे वो उस पर अच्छी लग ना रही हो लेकिन तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये तो है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, ये कैप अच्छी भी लग रही है और ये लकी भी है, इसको खेल के मैंने पूरा टूर्नामेंट खेला और मैंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया था और हम जीते भी। तो अब चलो भाई मैं निकल रहा हूँ, क्या बोलते हैं देहरादून के लिए, तो सीधा अब जाके देहरादून मिलते हैं, हो सका तो मैं अपने फ़ोन से व्लॉग करूँगा क्योंकि थोड़ा इसमें क्वालिटी भी है, और मेरा ना 128 GB था जिसमें से 127 GB भर चुका है, तो अब देखते हैं कितना होगा, जैसा भी होगा मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। तो मिलते हैं आपको सीधा देहरादून में, ठीक है, बाय बस। चलो बाय गाइस, देहरादून से जाने वाली बस आपकी जो है कि हो चुकी है, कर ले हमारा क्या, अच्छे दिख रहे हैं बस, कुछ नहीं दिख रहा है, सुबह पहुंच के फोन कर दिया मुझे, और अभी भी अभी मुझे कर दिया सुबह पापा को, टाइम है ही नहीं हमारे पास भी नहीं है तेरे टाइम, कॉल कर लियो तू करियो, मैं इतनी वेली नहीं हूँ, बाय। तो गाइस अब गोलू तो चला गया, पापा सो गए हैं, और मुझे इतनी भी जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10:20 हो रहे हैं, और क्या करूं, लेकिन अभी मेरा किचन नहीं हुआ है तो मैं किचन करके ही टाइम पास करूंगी और थोड़ा बहुत ब्लॉग एडिट करूंगी, देन सो जाऊंगी क्योंकि सुबह उठना होगा मुझे 7:30 बजे, पापा जाते हैं ऑफिस तो लंच वगैरह बना के 8 बजे पापा जाते हैं, तो पैक करके देना होगा, और फिर मैं अपना, और ना मैं दिए लाना भी भूल गई आज, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ ना, रूटीन है मेरा, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी थी और थोड़ा सा आप आलस भी बोल सकते हो गाइज, तो आलस भी आ रहा था इसलिए मैं नहाई नहीं, नहाई गई तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, सही बात तो, सर में दर्द हो रहा था, कोल्ड सा हो रहा था मुझे, तो कल पता नहीं दिया नहीं जलाऊंगी, मतलब लेकिन मेरा ये रूल ब्रेक हो जाएगा, मंदिर जाओ और दिया ना जलाओ, मुझे वो पसंद नहीं आता जो लोग ना मंदिर से दिया लेके ही जलाते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं आता, मैं अपना ही दिया लेके जाती हूँ रोज़ नया दिया लेके जाती हूँ, तो वही जलाती हूँ। तो फटाफट से अब देखते हैं किचन विचन करती हूँ कल का क्या सीन होता है, आजकल मुझे आलस आ जा रहा है हल्की, मैं टाइम से उठ जा रही हूँ फिर भी आलस आ रहा है गाइस, पता नहीं क्यों, लेकिन कल जाऊँगी मंदिर ज़रूर, नहा धो के अपना चले जाएंगे मंदिर, यार उठ तो जाती हैं 7:30 बजे, तो फटाफट से करते हैं किचन क्लीन। मैंने आज का व्लॉग वामी के बर्थडे वाला जो है ना वो 3 बारी अपलोड कर दिया, 3 बार कॉपीराइट आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, मैंने तो 1-2 जगह रखे हैं 10 सेकंड से भी कम का पार्ट, पर पता नहीं कॉपीराइट क्यों आ रहा है यार, मेरे को लगता है शायद जो मैं सोच रही हूँ अगर वही हुआ, तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये दिखाती कि आज मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग, ऐसे करके मैंने पूरी चीजें वहां से हटा दी है, पूरा हटा हटा के कर रही हूँ, देखो पूरा फैला हुआ है, और मेरे को ना मतलब अच्छा लगता है सफाई करना काफी ज्यादा, तो ये देखो वहाँ पे ना पूरा ये टाइल, ये वाला जो पोर्शन है ये देखो, ये वाला मैंने पूरा क्लीन करा है, अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि क्लीन इसमें हुआ क्या है, लेकिन ये ऐसा था, ऐसा हो जाता है थोड़े थोड़े दिनों बाद काला सा, ऊपर ऊपर की बाउंड्री इसमें ना, क्योंकि ऑयल वगैरह लगता है ना यहाँ पे पूरा ऐसे इससे, तो इसलिए हो जाता धूल मिट्टी से भी, लेकिन वो देखो पूरा वाइट हो चुका है, और यहाँ पे भी मैंने करा था कल, ये देखो ये भी पूरा वाइट है ना, तो ऐसे ऐसे मैं कर देती हूँ, और अभी मैं पूरा क्लीन करती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कि आफ्टर लुक कैसा आया ऑल ओवर। अब इसको ना मैंने अच्छे से स्क्रब कर दिया था, अब मैं इसे वाइप करती हूँ, अब देखते हैं कैसे क्लीन होता है।
ये देखो गाइस, वूहू गाइस, कैसा लगा आपको मेरा मजाक? पूरा क्लीन हो गया, सामने से तो ना और लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा होगा कैमरे में ज्यादा, लेकिन सामने से बहुत ज्यादा वो दिख रहा है, मतलब कि कितना चेंजेस है। ये क्या हो गया, मैंने क्या मार दिया निशान? उधर पता नहीं क्या निशान लग गया टाइल में, देखते हैं। यार ये तो हट ही नहीं रहा गाइस, इसमें मैंने चूना मारा था। तो गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे से जितना होता है मैं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी भी नहीं आजकल घर पे, गोलू पापा ऑफिस से रह आते। फिलहाल गोलू तो जा चुका है आज देहरादून मम्मी को लेने। तो मतलब मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर रही हूँ घर में, जो भी कर रही हूँ वो दिखाऊँ। तो फिलहाल आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों का इंस्टा दोबारा से एक्टिव हो चुका है, तो आप लोग वहाँ पर भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, जय माँ चंद्रबदनी, जय माँ सुरकंडा।